राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन कर एवं उन्हें स्मरण करते हुए युवा अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े, ये बात पूर्ण हिमाचल का खेलों में प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व कर चुके प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने लालरी हमीरपुर में वीर गगन सिंह मेमोरियल युवक मंडल द्वारा शहीद गगन सिंह की याद में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट मैच की शुभारंभ पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन कर एवं उन्हें स्मरण करते हुए युवा अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े, ये बात पूर्ण हिमाचल का खेलों में प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व कर चुके प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने लाहलड़ी हमीरपुर में वीर गगन सिंह मेमोरियल युवक मंडल द्वारा शहीद गगन सिंह की याद में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट मैच की शुभारंभ पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। मौजूदा खिलाड़ियों, युवाओं एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को नरेंद्र अत्री ने स्थानीय युवाओं को अमर शहीद वीर गगन के नाम से युवक मंडल चलाने एवं उनकी यादों में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करने के लिए प्रशंसा की एवं युवक मंडल के सभी सदस्यों को बधाई दी। नरेंद्र अत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र शहीदों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकता, अतः शहादत का स्मरण करना, शहादत को नमन करना व वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों को शहादत से अवगत करवाना बेहद जरूरी है। अतः इस तरह के आयोजनों से वर्तमान पीढ़ी को स्मरण होता है कि किस तरह हमारे देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए देश के वीर पुत्रों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। हम भी वर्तमान में अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ साथ समाज व राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अच्छे से निभा करें ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, मजबूत हो, खुशहाल हो। नरेंद्र अत्री ने मौजूद युवाओं से आह्वान किया कि वे देश में वर्तमान में चल रहे विषयों पर भी, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी अपनी जानकारी बढ़ाएं एवं जो लोग राष्ट्र की जनता को भ्रमित कर मानव हित में लिए निर्णय को भ्रमता फैलाकर देश में अराजकता का फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उनका विरोध करें। नरेंद्र अत्री ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर दंगे फैलाने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की गई है। उसका बोलने का मतलब यह है कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, वो जिनकी धार्मिक आधार पर उनको वहां प्रताड़ित किया गया है, वो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात? अब आप बोलेंगे कि मुस्लिम भाइयों के लिए क्यों नहीं है। मुस्लिम भाइयों के लिए इसलिए नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं संवैधानिक तौर पर इस्लामिक देश हैं, मतलब मुस्लिम भाइयों के देश हैं, तो अपने देश में मुसलमान जो है मुसलमान का क्यों शोषण करेगा? तो इसलिए उनको संलिप्त उसमें शामिल नहीं किया गया है। और धार्मिक आधार पर कई बार जैसे वहां अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उन पर यदि अत्याचार होता है तो उस आधार पर वो भारत के लिए नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सीएए का भारत में रहने वाले हम आप लोग, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि राजनीति है, जैसा कि मैंने पहले इससे पहले प्रतियोगिता में पहुंचने पर युवा एवं खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर वीर भगत सिंह मेमोरियल युवक मंडल के पदाधिकारी अक्षय कुमार, मनोज बंसल, नन्नू ठाकुर, सन्नी पटियाल, रविंद्र कुमार, विवेक कुमार एवं अन्य ने मुख्य अतिथि को बैच लगाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया।